फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं, तो आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मॉर्निंग की 9:00 से, और बच्चे गए हैं स्कूल, और मैंने योगा वोगा कर लिया था, और बाकी नहाना धोना हो चुका है, बाकी अब है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आज जो फली होती है ना, फली की सब्जी, एक तो होती है लोबिया की फली और एक बीन्स होती है, बीन्स वाली फली नहीं, लोबिया की फली है, तो उसकी सब्जी बनाई है, और बाकी रोटी। और बच्चों के लिए सब्जी तो मैंने सुबह ही बना देती हूँ, जब बच्चों के लिए बनती है तो बाद में रोटी बनती है मेरे पास गर्म गर्म। और हस्बैंड अभी रेस्ट कर रहे हैं, और तो चलिए मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत लेट उठते हैं, तो एक्चुअली तब तक मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, वो आराम से उठते हैं, फिर आराम से नहाते हैं, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट होता है। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी आई हूँ मैं बालकनी में, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ का मौसम, बाकी जगह में उत्तराखंड में तो अधिकतर बारिश हो रही है हर जगह, और यहाँ तक कि मेरे ससुराल में भी, काशीपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। मम्मी बता रही थी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और वहाँ बारिश जा रही है। तो यहाँ मतलब पिछले फ्राइडे को, मतलब अभी फ्राइडे में हुई थी, हफ्ते हफ्ते भर में हो जा रही है, बट इतनी बारिश नहीं हो रही, लेकिन वहाँ तो बारिश ने बहुत आतंक मचा रखा, हल्द्वानी हो गया, नैनीताल हो गया, और बाकी काशीपुर में भी ऐसी है। तो अभी बालकनी में आई हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर धूप हो रही है, बादल भी लगे हैं साथ में, और नाश्ता हो चुका है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं और वो करें ब्रेकफास्ट बाहर, और मैं आई हूँ बालकनी में। तो मैं आपको अपनी बालकनी को दिखाती हूँ, आपने वैसे देखी है, क्या दिखाना है वो बार बार, आप भी कहते हो कि पागल है बार बार अपनी बालकनी दिखाते रहती है, तो मैं बस ये दिखा रही हूँ। ये मिर्च का पौधा है, ये जो मिर्च का पौधा है ना, आप लोग बता सकते हैं कि इसमें मिर्च क्यों नहीं आ रही होगी, इतने फूल आ रहे हैं ना इसमें, लेकिन बट मिर्च नहीं आ रही है। कोई अगर उपाय हो आप पे कि जिस पौधे में फल नहीं आता, तो उसके लिए कुछ तरकीब हो कि कैसे फल आता है उसमें, कुछ मतलब होता हो, टेक्निक होती हो, तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें बहुत बार फूल आ रहे हैं, फूल देखिए कितने सारे आ रहे हैं इस पेड़ में, बट इसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है, और चलिए अंदर चलते हैं। और मैं आई हूँ अपने अंदर के कमरे में, और मैंने यहाँ पे कपड़े मैंने धो दिए थे सुबह, खाली ड्रायर में ड्राई किए हैं यहाँ पे मशीन से, तो कपड़े मैंने बाल्टी में निकाल लिए हैं, और देखिए एक बाल्टी कपड़े, क्योंकि लेट सूखते हैं, क्योंकि बाहर कपड़ों सूखते हैं तो लेट ही उठते हैं सब लोग, तो कपड़े बाद में ही धोते हैं, तो थोड़ा ड्रायर में ड्राई करने पड़ते हैं ये। तो चलिए एक बाल्टी कपड़े हैं, इनको बाहर सुखाते हैं, और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस अब, तो ये कपड़े सुखाने हैं मेरे को, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपने अंदर के रूम में, और मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये जो साड़ी है ना मेरी, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, और ये पहले जो बनारसी चलती थी ना, बनारसी साड़ियाँ पहले टाइम पे बहुत चलती थी, मतलब मेरी मम्मी की साड़ी, तो ये साड़ी ना मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैं अपने मायके से इस बार जब गई थी तो मैं वहाँ से ये साड़ी लेके आई हूँ। आप भी देखिए, अच्छी लग रही है ना बनारसी साड़ी, ब्लू कलर में है, बट इसका ब्लाउज जो है वो मुझे नहीं मिला मम्मी का वहाँ, वैसे मम्मी और मेरी मम्मी के ब्लाउज जो है मुझे आ जाते हैं, तो अब इसका ब्लाउज नहीं है, तो मुझे इसका ब्लाउज बनवाना है। और बाकी मम्मी की मैं 1-2-3 साड़ियाँ लेके आई हूँ, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, एक ये वाली साड़ी है बनारसी जो पहले चलती थी, और एक साड़ी और है मेरे पास मम्मी की, एक साड़ी ये है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ आपको, इसमें मैंने सूट भी डाला है, और एक साड़ी ये है मेरी मम्मी की सिल्क में, ये भी सिल्क में है, ये भी मुझे बहुत प्यारी थी, जब शादी के बाद मैं स्टार्ट किया था ना टीचिंग करना, जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद ही 6-7 महीने बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, शादी के शादी से पहले कभी टीचिंग नहीं हुई, क्योंकि जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, बीएड ख़त्म हो गया, तो शादी हो गई थी, तो टीचिंग करने का मौका नहीं मिला था, तो उसके बाद मैं एक बार टीचिंग करने गई थी, मैंने कहा कर लेते हैं स्टार्टिंग टीचिंग करने की, मैंने कहा अभी मैं इन लॉस के साथ हूँ तो कुछ टाइम कर लेती हूँ, बट
मैंने ये साड़ी उस टाइम पे यूज़ की थी, अपनी मम्मी की साड़ी, मतलब पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी है। हालांकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, लेकिन साड़ी पहने हुए लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उन पर साड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मुझे भी आती तो मैं भी ज़रूर पहनती, बट मेरे को ना आती नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, 1-1 घंटा लग जाता है उनको करने में। फिर उसके बाद ना बहुत साड़ी के साथ ना चूड़ियाँ भी डालो, सब बहुत काम होता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ साड़ी पहनना। खाली खास खास फंक्शन में तो अच्छा ही लगता है, बट वैसे भी अच्छा लगता है, बट पहननी नहीं आती है। तो उस टाइम पे मैंने ये साड़ी पहन के ली थी। मैंने उस टाइम पे काफ़ी साड़ियाँ बनाई थी अपनी, मेरी सास ने मुझे मतलब साड़ियाँ दी थी, तो उस टाइम पे मैंने 5-6 साड़ियाँ बनाई थी। बट मैं उस वक्त टीचिंग कर नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त ना बच्चा हुआ था मेरा, मतलब मेरा बेटा हुआ था, तो क्या बोलते हैं, उस वक्त बॉडी ना इतनी वो भी नहीं थी, शरीर में ना इतनी ताकत भी नहीं थी। तो सुबह जाओ 6-7 बजे तो गला बैठ जाता था, आवाज़ नहीं निकलती थी, तो ताकत भी नहीं होती थी फिर घर आके बच्चों को भी देखना है। हालांकि मेरी इन-लॉज लोग अच्छे थे, सारा काम हम मतलब मम्मी लोग का पूरा हेल्प करते थे, बट वही है ना कि बच्चे बच्चों के साथ और फिर काम, बच्चों को भी देखना, स्कूल में छोटी क्लास के बच्चे थे उनको हैंडल करना, फिर घर में छोटे बच्चों को देख बच्चे को देख देखना रात भर उसको भी देखना, तो नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने टीचिंग छोड़ दी थी। तो अभी तक टीचिंग का हो नहीं पाया है, देखते हैं, अभी तो बच्चे बच्चों के साथ ही टीचिंग चल रही है हमारी। तो ये दो साड़ियाँ थी मेरी मम्मी की, मुझे बहुत पसंद थी, मैंने आपको दिखाई, आपके साथ शेयर की, आप भी मुझे बताइएगा कैसी लगी ये साड़ियाँ। और एक साड़ी और है रेड कलर की, वो मेरी वहाँ मतलब मेरे इन-लॉज जहाँ रहते हैं मतलब काशीपुर में है, वो वहीं है साड़ी, वो वहीं छोड़ के आई थी। तो यहाँ पे मेरे पे 7-8 साड़ियाँ हैं और बाकी साड़ियाँ मेरी काशीपुर में ही पड़ी है। साड़ियाँ मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि पहनी नहीं जाती, कैरी नहीं की जाती, इसलिए मैं खाली साल में 1 बार बनाती हूँ, सिर्फ करवा चौथ के टाइम पर साड़ी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी साड़ियाँ, वो भी मेरी मम्मी वाली साड़ियाँ हैं। तो इस साड़ी को देख के ना मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। तो माता पिता के साथ सभी को चाहिए होता है, और जो दुनिया में मम्मी पापा कर सकते हैं, माँ बाप कर सकता है ना अपने बच्चे के लिए, वो कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपने मम्मी पापा की। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं, सॉरी चलते हैं कह रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर में जिया आने वाली है, जिया को लेने चलते हैं, और आज शाम को हम जाने वाले हैं सिद्धि के घर, तो वहाँ पे बच्चों के साथ मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए सिद्धि के घर, मैंने आपको जैसे कि बोला था हम सिद्धि के घर आने वाले हैं, तो आ चुके हैं। क्या है दूसरी जो रेड टी शर्ट में है गर्ल, हेलो गर्ल, बोल ही नहीं रही यार ये तो। अरे आपका क्या नाम है? हेलो मैम, ये मैडम जी तो बोल ही नहीं रही है। अरे आपका नाम क्या है बता तो दो। ये देखिए बच्चों के खिलौने, और ये देखिए बच्चे, ये देखिए ये जो रेड टी शर्ट में लड़की है अपना नाम नहीं बता रही हमको, उसका नाम क्या है बता ही नहीं रही है। इसका नाम शायद वो है ना जिया, ये रेड टी शर्ट वाली लड़की का नाम क्या है? सिद्धि नहीं है, कुछ और है, टिड्डा नाम है इसका, टिड्डा है ना। अरे आप बता ही नहीं रही हो नाम, तो बता। तो यहाँ पे मैंने सिद्धि से नाम पूछा और उसने बताया नहीं, तो मैंने उसको चिढ़ाया, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गई है। तो कोई नहीं, बच्चे हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, और देखिए कितने प्यार से खेल। और बताओ और क्या कह रहे थे? क्या खा रहे हो आप लोग हैं? अच्छा हो रहा है? चिकन। किसने बनाया फ्रेंच फ्राइज? चिकन ने। चिकन ने बनाया? अच्छा कौन है चिकन? मम्मा। अच्छा ये देखो इनके खिलौने, किसके बच्चे हैं ये दो? आपको कौन सा वाला है? कौन सा वाला? पिंक वाला। और ये कौन है, ये कैट किसकी है? ओ माय गॉड, देखो दो बच्चे हैं, एक एक जिया का और एक सिद्धि का। देखते हैं, दिखाओ फ्रेंच फ्राइज कौन देखते फर्स्ट आता है, ठीक है? ओके ओके। अरे फिनिश कर दिया, सिद्धि फर्स्ट आ गई, वेरी गुड। अच्छा सिद्धि को कौन सा सॉन्ग आता है? सिद्धि एक सॉन्ग सुना दो चलो। हाँ सुनाओ, चलो आप ही सुनाओ जोर से। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटू समधन,
जोर से। वेरी गुड। अब सिद्धि सुनाएगी। छोटी छोटी नहीं या छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो मेरो मदन गोपाल, नाच गाई गैया सूत की एक ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। वेरी गुड। जिया ने भी फिनिश कर दिया। और कौन सा गाना आता है आपको? बोला बाबा। हाँ सुनाओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, एक्शन भी करके बताओ ना फिर। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज बच्चों के, बारिश का मौसम हो रहा है, बच्चे फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं और इनका क्रेडिट जाता है इनको। अच्छे हो रहे, टेस्टी हो रहे हैं, टेस्टी हो रहे फ्रेंच फ्राइज। अच्छा जिया किसका नाम है इसमें से? जिया किसका नाम है और सिद्धि किसका नाम है? मेरा। अच्छा सिद्धि कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सूरत भान देवी पब्लिक स्कूल। और जिया आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ओके। और सिद्धि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सूरत भान देवी। कौन सी क्लास में? केजी में। अच्छा और जिया आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ओके। थोड़ी सी दूर है। अच्छा सिद्धि का ज़्यादा दूर है, आपका तो नज़दीक है। अच्छा हो रहा है फ्रेंच फ्राइज? गर्म भी हो रहा है। सिद्धि एरोप्लेन बन के कहाँ जा रही हो? ये देखो इनकी शैतानियाँ। अरे तो बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज खा लिया और अब यहाँ पे बच्चे कर रहे डांस। और देखिए इनका एक यूनिक डांस, आपने कभी देखा है सॉन्ग में डांस? डांस का खत्म। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली सिद्धि और के यहाँ से अपने घर आ चुके हैं और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। आपने देखा बच्चों ने कितना इंजॉय किया और बच्चों का आपने यूनिक डांस देखा। सिद्धि और जिया का पता नहीं कौन सा सॉन्ग था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खाली उसमें ट्यूनिंग बजी थी और एक फ्रॉग नाच रहा था, एनिमेशन था कुछ, और बच्चे उसी सॉन्ग में डांस कर रहे थे। तो आपने देखा कि बच्चे किस तरह से डांस कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।